गाइस आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गाइस हम बात करने वाले हैं अवतार 2 की। जी हाँ, उसका चल रहा है बॉक्स ऑफिस में IDA 13। आज वेडनेसडे भाई, जानेंगे कि आज ये कितना क्रशिंग करती हुई नजर आ रही है इंडिया में, प्लस इसका पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कितना क्रशिंग हो चुका है। व्हाट आज हम थोड़ा वीडियो में अलग करने वाले हैं। आज हम मतलब कंट्री वाइज जानने वाले कौन सी कंट्री में इसने सबसे ज़्यादा क्रशिंग किया। ऑफकोर्स चाइना, इंडिया कौन से स्थान पर है भाई, डोमेस्टिक यानी अमेरिका में इसने टोटल कितना क्रशिंग किया। फिलहाल जो मेरे पास जो रिपोर्ट है, मैं फर्स्ट 11 डेज के आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और एक बड़ी यार अपडेट यही है, मतलब बिग न्यूज़ तो फिलहाल यही सामने आ रही है यार, मूवी 1 बिलियन मतलब $1 टच करती हुई नजर आ रही है। 1 बिलियन गाइस यार, फिलहाल मतलब कुछ दिन पहले की बात है, जेम्स कैमरून ने एक इंटरव्यू दिया था, उनका कहना था हमारा जो फर्स्ट टारगेट है जो मतलब इस मूवीज को करना चाहिए वो था $3 बिलियन इसको क्लैशन करना चाहिए। अगर ये 3 बिलियन के मतलब टच नहीं करती है तो उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो देखने वाली बात होगी क्या 3 बिलियन टच करती है। ऑफकोर्स अगर 3 बिलियन को टच कर भी देती है तो यार ये फर्स्ट पार्ट या तो अवतार 1 का या 2009 का, तो उसको यार मतलब डेफिनेटली ये आसानी से बीट कर देगी। तो मतलब 19,000 करोड़ प्लस ये मूवी उनके हिसाब से मतलब धमाका करेगी। बट देखने वाली बात होगी नेक्स्ट आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन यार जेम्स कैमरून, उनकी मूवीज़ के लिए आप लगा सकते, उनको कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी मूवीज़ ऑफकोर्स कर सकती है। अगर जेम्स कैमरून है तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं कंट्री वाइज की बात करूँ, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा मतलब धमाल मचाया, सबसे पहले मैं अमेरिका की बात यानी डोमेस्टिक की बात करूँ, तो अमेरिका में देखा जाए तो $293 मिलियन ये मूवी कलेक्शन कर चुकी है। जी हाँ, $293 मिलियन। ऑफकोर्स यार मतलब देखा जाए अमेरिका से इससे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी ऑफकोर्स मेरे को, अभी फर्स्ट 11 डेज में आपके साथ शेयर करना कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ट्यूजडे भी मतलब आ चुकी है अपडेट, बट ट्यूजडे मैंने जो मतलब वीडियो तैयार की हुई थी, जो मैंने रेडी था, वो फर्स्ट 11 डेज के लिए ही था। और बात करूँ मैं इसकी टोटल की, आप लगा सकते हो जैसे ये मूवी 1 बिलियन को टच करेगी तो ये मूवी पूरे वर्ल्ड वाइड में 4th रैंक पे आ जाएगी। ये 4th मूवी होगी जिसने 1 बिलियन प्लस बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाया हो। और आगे बात करूँ अमेरिका, मैंने बताया 293। बाकी मैं अनदर कंट्रीज की बात करूँ, जैसे अमेरिका को छोड़कर तो अभी तक 661 मिलियन $661 ये मूवी मतलब कलेक्शन कर चुकी है, मतलब अमेरिका को छोड़ के यानी अनदर यानी के हिसाब से देखा जाए तो ओवरसीज में लगभग 660 मिलियन से ज्यादा कलेक्शन कर चुके। ऑफकोर्स यार काफी मतलब अच्छा खासा इसको ओवरसीज में अब लगा सकते हो कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है व्यूवर्स की तरफ, काफी आइडिया उनकी तरफ, आप लगा सकते हो कि जेम्स कैमरून अच्छी खासी पकड़ है उनकी ओवरसीज में भी। भाई मैं टोटल की बात करूँ, टोटल अभी तक 955 मिलियन जो $955 का टोटल क्लेशन हो चुका है। जी हाँ, 955 मिलियन। ऑफकोर्स मैंने बताया मंडे आफ्टर के बाद जो आपकी रिपोर्ट है, फिलहाल मैंने इसमें ट्यूजडे का ऐड नहीं किया और आज वेडनेसडे चल रहा है डे 30। आप लगा फर्स्ट 11 डेज ऑफकोर्स यार ट्यूजडे जो रिपोर्ट अभी आ चुकी है तो ऑफकोर्स इसने मतलब जो 1 बिलियन है उसको तो इसने क्रॉस कर लिया है। तो भाई बात करूँ मैं इसकी सबसे ज़्यादा इसने कौन सी कंट्री में धमाल मचाया है, सबसे फर्स्ट नंबर जो है बहुत अमेरिका ही है। बात करूँ मैं सेकंड नंबर की, वो है चाइना। जी हाँ, फर्स्ट 11 डेज यानी मंडे तक 104 मिलियन से ज़्यादा क्रशिंग कर चुकी है, $104 मिलियन प्लस हो चुका है, यानी मैं इंडियन रुपीस में कवर कर दूँ लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा। जी हाँ, 800 करोड़ प्लस इसका ज़्यादा हो चुका है। वट यार इससे ज़्यादा उम्मीद थी चाइना से, बट आप सभी को पता है फिलहाल वहाँ COVID-19 छाया हुआ है तो वहाँ थिएटर लगा सकते हो ठप पड़े हुए हैं, कुछ कुछ जगह में खुले, कुछ जगह लगा सकते हैं लॉकडाउन भी वहाँ हो गया है। करूँ मैं सेकंड की, तो सेकंड नंबर पर है फ्रांस, या $60 मिलियन उसने कलेक्शन किया, यानी मैं इंडियन रुपीस में देखूँ लगभग 500 करोड़ प्लस इस मूवी ने फ्रांस से कलेक्शन किया। बात करूँ मैं थर्ड की, तो भैया उत्तर कोरिया, जी हाँ, लगभग 55 मिलियन से ज़्यादा कलेक्शन किया, यानी इंडियन रुपीस में देखूँ लगभग 450 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी है। भाई नंबर 4 यार जर्मनी, ऑफकोर्स मतलब 41 से ज़्यादा कुछ मिलियन $ उसने कलेक्शन किया, यानी इंडियन रुपीस में देखूँ लगभग 340 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी किया है। भाई आगे आप बात करें तो फिफ्थ नंबर पर इंडिया, लगभग 40 मिलियन उसका टोटल क्रशन हो चुका है, यानी मैं इंडिया मैंने जो बात को बता रहा हूँ लगभग मैंने ट्यूजडे का भी इसमें ऐड किया, लगा सकते हो कि मतलब 330 करोड़ से ज़्यादा क्रशन कर चुका है इंडिया ग्रॉस में। बात करूँ मैं नंबर 6 की, तो भैया यूके,
केवल और केवल 33 कुछ उसका टोटल मिलियन यूएस डॉलर उसने क्लशन किया, यानी मैं इंडियन रुपीस में वो इसमें देखूँ तो लगभग 280 करोड़। यार ऑफ कोर्स यार थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी, बट ज़्यादा तो कमाल नहीं कर पाई, सिर्फ 280 प्लस। बात करूँ मैं आगे तो मैक्सो की तो लगभग 27 यूएस डॉलर वहां से इसने क्लशन किया, यानी मैं इंडियन रुपीस में देखूँ लगभग 223 करोड़ से ज़्यादा वहां इसने मतलब धमाल मचाया। बात करूँ मैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में लगभग इसने 22 यूएस डॉलर क्लशन किया। मैं इसको देखो लगभग 182 करोड़ यार इंडियन रुपीस में देखा जाए तो यार अच्छा खासा धमाल मचा। जेम्स कैमरून यार क्या कहें आपकी बात। बात करूँ मैं इटली की तो लगभग 21 मिलियन लगभग इंडियन रुपीस में 174 करोड़। बात करूँ मैं नंबर 10 की ब्राज़ील केवल 18.2, यानी मैं इंडियन रुपीज़ में देखूँ तो लगभग 150 करोड़ रुपये क्वेश्चन किया। ये रही टॉप 10 कंट्रीज जहाँ मतलब जेम्स कैमरून की मूवी अवतार 2 द वे ऑफ वाटर ने धमाल मचाया। मैं टोटल की बात करूं तो लगभग लगा सकते हो 7900 प्लस ये मूवी कलेक्शन कर चुके हैं, यानी 8000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने वाली है। अब लगा सकते हो कि मतलब 955 ना बताया मिलियन यूएस डॉलर, जब जो ट्यूजडे का इसमें ऐड करूं तो ये मूवी 1 बिलियन क्रॉस, जी हाँ 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो भैया यार मतलब जेम्स कैमरून मतलब लगता है मेरे को जो उनकी अवतार जो पार्ट फर्स्ट था यानी 2009 वाला, ऑफ कोर्स यार उसको मतलब कहीं वेट ना कर दे तो अभी तक तो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी केवल आप लगा सकते हो कि 8000 करोड़ रुपये आसपास पहुंची है। तो अभी इसको लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन करना होगा, लगभग 19000 करोड़ रुपये से ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा उसको वीट करने के। बट यार जेम्स कैमरून उनको मतलब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इस मूवी को 3 बिलियन यूएस डॉलर मतलब क्लशन करना होगा। यार एक बात तो क्लियर है यार, इंडिया में भी यार 270 करोड़ नेट क्लशन कर चुके हैं। आप लगा सकते हो आज मैं बात करूँ ट्यूजडे की, आज लगभग मेरे को लगता है सेकंड डिजिट नीचे आ सकती है इंडिया में डे 30 में, लगभग 9 से लेकर 11 करोड़ के बीच में क्लशन करती हुई नजर आ रही है। भाई बात करूँ मैं इसकी ट्यूजडे की तो उसने 10 करोड़ क्लशन किया। जी हाँ गाइज अभी तक मूवी ये इंडिया में सेकेंड डिजिट से नीचे नहीं आई है। जेम्स कैमरून यार इंडिया हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे एक्टर हो गए, हमारे डायरेक्टर हो गए यार, हमारे इनको तो पता ही नहीं चलता यार, इनजे तो मतलब व्यूवर्स को हो गए आइडियंस को मतलब अपनी तरफ खींच नहीं पाती है, ऐसा मतलब कोई कंटेंट नहीं ला पाते यार, मतलब इंडियन जो व्यूवर्स हैं इंडियन जो आइडियंस हैं मतलब न्यूट्रल हो गए, कुछ फैन हो गए वो चला जाए इनकी मूवी देखने के लिए। बट यार ओवरसीज़ की जेम्स कैमरून की अवतार 2 यार इंडिया अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं बोलता हूँ अगर सर्कस थिएटर में फ्लॉप नहीं होती ऑफकोर्स यार अवतार 2 को कुछ नुकसान पहुँचता इंडिया में, बट यार इंडिया अभी की बात करूँ तो मैं बताऊँ यार इंडिया में टक्कर में इंडिया एंड जो अवतार 2 और इंडियन सिनेमा जैसे साउथ हो गया और बॉलीवुड हो गया इसको इस बल अवतार 2 को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रही है अभी के टाइम में। बोल रहा हूँ मैं अभी पठान आ रही है, बट इससे पठान तो बड़ी मूवी है वो टक्कर दे सकते हैं, बट तब तक के लिए तो यार इसका काम हो जाएगा, एक महीने का टाइम है अभी और तो मतलब मूवीज़ तो आ रही हैं और भी, लेकिन मतलब कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है जो मतलब अवतार 2 को टक्कर दे सके इधर भी और आप साउथ में ले सकते हो वहाँ भी कोई मूवी नहीं है। तो फिलहाल यही है इसका आज की बात, मैं लगा सकते हो कि मतलब आज लगभग 10 करोड़ के आसपास क्रशिंग करती भी है तो लगभग 280 करोड़ प्लस इसका नेट क्रशिंग हो जाएगा इंडिया में। तो यही है बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहा आप क्यों क्या लगता आपको क्या लगता है कि मुझे अवतार जो उसका पार्ट 1 है क्या उसको ये 19000 करोड़ रुपए से ज़्यादा क्रशिंग कर पाएगी, क्या उसको वीट कर पाएगी, क्या आपको भी मतलब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है आप बोल सकते हो कि मतलब वीट कर पाएगी जैसे मतलब जेम्स कैमरून को अपने ऊपर है। तो फिलहाल देखते हैं, बाकी मेरे को पूछोगे तो यार कुछ भी हो सकता है, जेम्स कैमरून की मूवी यार मतलब लगा सकते 2023 अगस्त तक अभी मैं सिनेमा में रह सकती है यार जेम्स कैमरून यार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल यही थी आज की वीडियो, बाकी जरूर तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से कर लो सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।